आज हम बना रहे हैं बैंगन की कुछ नए अंदाज में बहुत ही लाजवाब एकदम टेस्टी मसाला बैंगन की नई रेसिपी। जैसे एकदम होटल ढाबा में बनती एकदम सेम वैसे ही मसाला बैंगन हम आज घर पे बनाएंगे। और जिन्हें बैंगन नहीं पसंद है वो भी आज से बैंगन खाना शुरू कर देंगे। एकदम सिंपल सरल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वसंता चैनल में कहो कैसे हो आप। तो चलिए हम मसाला बैंगन एकदम ढाबा स्टाइल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मसाला बैंगन बनाने के लिए आपको लेना है एकदम फ्रेश ताजे बैंगन। बैंगन हमने छोटे साइज़ के लिए है। अगर आपके पास छोटे साइज वाले बैंगन नहीं है तो आप पतले लंबे साइज़ वाले बैंगन ले सकते हैं, या फिर जो बड़े साइज़ के बैंगन आते हैं ना राउंड शेप में, आप उस बैंगन से भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बैंगन को दो पानी धो लेना है। पानी से धोने के बाद आपको साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है। अब बैंगन का पानी आपको अच्छे से पोंछ लेना है। अगर बैंगन में ऊपर से रेसे हैं तो आप रेसे निकाल दीजिए, और बैंगन की मात्रा अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। बैंगन के रेसे साफ़ करने के बाद अब आपको लेनी है यहाँ पे चाकू, और चाकू की सहायता से बैंगन को कट करना है। इससे क्या होगा, अगर बैंगन में कीड़े होंगे ना तो कीड़े दिख जाएंगे। अब उतना बैंगन कट करके निकाल दीजिएगा। बैंगन को हमने बीच से कट किया, आप देख रहे हैं कीड़े बिल्कुल नहीं हैं। अब हम बैंगन को चार भाग में कट कर लेंगे। अगर आप एकदम बड़े साइज वाले बैंगन ले रहे हैं तो उस बैंगन को आप चार भाग में ज़रूर कट करिएगा, या फिर इस तरीके से छोटे साइज का बैंगन ले रहे हैं तो आप चाहे तो दो भाग में कट करें या फिर चार भाग में, जो आपको सही लगे। हम इस तरीके से बैंगन को कट करें और देख भी रहे हैं कहीं कीड़े होंगे तो निकाल देंगे। गैस चलाकर हमने कढ़ाई रख दिया, और कढ़ाई में हमने डाल दिया तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप कटे हुए बैंगन को डाल दीजिए। सारे बैंगन आपको एक ही बार में डाल देना। जब आप बैंगन डालें बैंगन को आपको नहीं चलाना है, और तेल की मात्रा आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। बाद में तेल को निकाल देंगे। बैंगन डालने के बाद आपको प्लेट लेनी है और कढ़ाई को अच्छे से कवर कर देनी है। गैस को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए ढककर आपको बैंगन को हल्का सा पका लेना है। यहाँ पे दो मिनट हो गए हैं, हम प्लेट को हटा देंगे। बैंगन को धीरे से तीन से चार बार चला देंगे। जब भी आप इस तरीके से बैंगन को भूनें, आप इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे, बैंगन को भूनते समय कढ़ाई को ज़रूर ढक दीजिएगा, नहीं तो गर्म तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे पूरे दो मिनट हो गए हैं, और दो मिनट बाद हम बैंगन को फिर हल्का सा चला देंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़िएगा, नहीं नीचे से बैंगन ज़्यादा लाल हो जाएंगे। अब आपको लेना है नमक। नमक इस तरीके से बैंगन के ऊपर फैला के डाल देना है। नमक डालने से क्या होगा, बैंगन जल्दी से पक जाएंगे, गल जाएंगे। फिर हम कढ़ाई को ढक देंगे। इस तरीके से ढककर तीन से चार बार आपको बैंगन को पकाना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी हद तक पानी सूख गई है। अब हम कढ़ाई को नहीं ढकेंगे, गैस को तेज़ कर देंगे। तेज़ करने से क्या होगा, पानी अच्छे से सूख जाएगी। तो हाई फ्लेम पे हमने बैंगन को अच्छे से पका लिया। टच करके देख रहे हैं बैंगन नरम हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा अगर भूनेंगे बैंगन एकदम मैसी मैसी हो जाएगी, इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा। जैसे बैंगन लाल हो, हल्की से नरम हो। आप बैंगन को तेल से निकाल लीजिएगा। एक एक करके हम बैंगन को निकालेंगे। बचे हुए तेल को हम साइड में कर देंगे। यहाँ बाउल में हमने मूंगफली ले लिया है, भुनी हुई मूंगफली है। मूंगफली आपको डेढ़ से दो चम्मच लेना है। मूंगफली के छिलके आपको निकाल देना है। फिर आपको लेना है लहसुन। लहसुन कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। आपको लेना है बड़े चम्मच से डेढ़ चम्मच सूखा नारियल। सूखे नारियल को हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अगर आपको सूखा नारियल नहीं है तब ताज़ा नारियल ले सकते हैं, या फिर नारियल का बुरादा ले सकते हैं, लेकिन नारियल और मूंगफली का दाना आपको ज़रूर लेना है। अब ये सबको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। साथ में हमने एक हरी मिर्च ले लिया है, जो आपको दिखाना भूल गए। बिना पानी डाले आपको दरदरा सूजी की तरह रवा की तरह पीस लेना है। पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो पेस्ट बन जाएगी। इसे हमें दरदरा ही रखना है। गैस चलाकर हमने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई को हमने साफ कर लिया। बचे हुए तेल को हम डाल देंगे। तेल डालने के बाद तेल को आपको अच्छे से गर्म करना है। तेल गर्म हो गई तो यहाँ पर हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को हमें हल्का सा लाल करना है। जीरा लाल हो जाए तब आप डाल दीजिए बारीक कट करके प्याज। दो बड़े साइज़ के प्याज थे, प्याज को हमने चॉपर में डालकर एकदम बारीक कट करके डाल दिया है। चला दीजिए। आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। और प्याज और लहसुन आप अपने हिसाब से बैंगन के हिसाब से कमी ज़्यादा कर लीजिएगा। गैस को हमने तेज़ कर दिया है। हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए चलाकर हम प्याज को भून लेंगे। बस प्याज इतनी भूनिए कि प्याज आपकी कच्ची भी ना रहे, ज़्यादा लाल ना हो। प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है। अब आपको यहाँ पर डाल देना है टमाटर का पेस्ट। दो टमाटर का पेस्ट हमने बनाकर डाल दिया प्याज में। साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच एक चम्मच धनिया पाउडर, एक ही चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला,
और जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए लाल मिर्च का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर। एक चम्मच लगभग हमने डाल दिया काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा बैगन मसाला का। एकदम थोड़ा सा डाल दीजिए रतन जोत, अगर आपके पास रतन जोत नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन रतन जोत और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर आप बैगन मसाला बनाएंगे तो कलर भी बहुत ऑसम आएगा और साथ ही साथ बैगन मसाला बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। इसलिए कोशिश करिए कि रतन जोत आप ज़रूर ऐड करें, मिक्स कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे मसाला को अच्छे से भून लेना। आप देख रहे हैं ना मसाला में तेल दिखने लगा है, कितना लाजवाब कलर आया है। तो आप भी इस तरीके से मसाला को पहले भून लीजिए अच्छे से, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही लाजवाब उतनी ही टेस्टी आपकी मसाला पर तैयार होगी। मसाला की मात्रा बैगन के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। जब मसाला अच्छे से भून जाए तेल दिखने लगे तो लास्ट में आपको डाल देना है आधा चम्मच से भी कम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालकर गैस को धीमा कर दीजिए और मसाला के साथ अच्छे से मिला लीजिए। 30 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेना है। 30 सेकंड बाद भूनने के बाद आपने जो मूंगफली नारियल का दरदरा पेस्ट तैयार किया था उस पेस्ट को आपको डाल देना है। तो आप हमने अच्छे से भून लिया कसूरी मेथी को, मसाला के साथ मिलाकर मूंगफली नारियल का दरदरा पेस्ट डाल देंगे। पानी की यूज आपको नहीं करना है, गैस को धीमा ही रखना है क्योंकि इसमें मैंने लहसुन का यूज किया है। इतना भूनिए इस पेस्ट को मसाला के साथ मिक्स करके कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। जल्दबाजी दिखाएंगे, गैस को तेज रखेंगे या फिर मीडियम रखेंगे तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए गैस को धीमा रखिए और धीमी आंच पे आपको भुनाई करनी है। इतना भूनिए लहसुन भी अच्छे से भून जाए, कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार चलाते हुए हमने दोबारा मसाला को अच्छे से भून लिया है। मसाला अच्छे से भून के रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब आपको यहाँ पे डाल देना है 1.5 से 2 गिलास पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि जब मसाला पैकिंग बनकर ठंडी होती है तो गाढ़ी होती है। पानी हमने यहाँ पे 1.5 गिलास लगभग डाल दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर एक बार बॉयल कर लेंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाएगी तब हम यहाँ पर एक करके जो हमने बैगन को फ्राई किया था कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरीके से बैगन डालने के बाद आपको ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको धीमी आंच पर पका लेना है। तो धीमी आंच पर हमने इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए ढककर पका लिया है। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब कलर आया है। साथ में हमने नमक भी डाल दिया जो आपको हम दिखाना भूल गए। तो अपने स्वाद के हिसाब से आप बैगन मसाला में नमक डाल दीजिएगा ग्रेवी में। अभी आपको ग्रेवी ज़्यादा दिख रही है लेकिन जैसे जैसे मसाला बैगन ठंडी होगी ग्रेवी आपकी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप मसाला बैगन बनाइए तो ग्रेवी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा आपको। आप इसके साथ पराठा खाइए, रोटी खाइए या फिर चावल खाइए, यकीन मानिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और दोबारा जरूर ट्राई करेंगे। जैसे गर्मा गर्म हम एक मसाला बैगन को बाउल में निकाल लेते हैं तो आप देख रहे हैं ना कितना लाजवाब कलर आया, कट करके दिखा रहे अभी काफ़ी गर्म है, देख रहे हैं कितनी अच्छे से पक गई है। पसंद है ना, वो भी आराम से एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार खाएंगे। मसाला बैगन की रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।